पाकिस्तान सरकारने मुंबई 26/11 हल्ल्याचा मास्टरमाइंड हाफिज सईद हा देशासाठी धोका असून हाफिज सईद याला अटक करण्यात आली आहे, असं वक्तव्य पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी जरी केलं असलं तरी ते पूर्णपणे चुकीचं आहे. पाकिस्तान ढोंगी आणि खोटारडा असल्याचं मत प्रसिद्ध सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी शिर्डीमध्ये पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केलंय. ते शिर्डीमध्ये साई दर्शनासाठी आलेले असताना मंदिर परिसरामध्ये उपस्थित प्रसार माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते. दरम्यान यावेळी त्यांनी आपल्या तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. या प्रसंगी कोपर्डी प्रकरणाबाबत उज्ज्वल निकम म्हणाले की कोपर्डी प्रकरणात एका बालिकेवर अतिप्रसंग करून तिला ठार मारण्यात आलं. हा खटला सध्या अंतिम टप्प्यात आलाय. या प्रकरणात लवकरच महत्वपूर्ण पुरावे न्यायालयापुढे सादर केले जाणार आहे. सर अभी जो कोपरडी जो केस चल रहा है कौन से स्टेप पे? कोपरडी यहाँ जो नाबालिग लड़की पे जो बलात्कार और जो उसका खून की घटना हुई थी उसकी ट्रायल अभी अंतिम पर्व में है और हम उस ट्रायल को जल्दी से जल्दी जो सबूत है वो पेश करके ट्रायल फाइनल स्टेज पे जल्द से जल्द आ जाएगी, ऐसी उम्मीद है. सर जो हाफिज सईद है उनको पाकिस्तान ने टेररिस्ट लिस्ट में डाला है, तो क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए पाकिस्तान क्या सचमुच हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करेगा? मुझे बहुत आशंका है क्योंकि डेविड हेडली ने जो बात कही थी कि हाफिज सईद और झकीउर रहमान लखवी इन्हें पाकिस्तान में कुछ होने वाला नहीं, और इतना डेविड हेडली ने कहा ही नहीं तो उन्होंने कोर्ट में ईमेल जो था जो लश्कर तोयबा से डेविड हेडली को आया था वो कोर्ट में हमने पेश किया है. उस ईमेल के माध्यम से बात स्पष्ट होती है कि पहले भी झकीर उर रहमान लखवी को जो अरेस्ट की कार्रवाई की गई थी एक पूरा ढोंग था, एक साजिश थी, और हाफिज सईद को तो अभी तक तो उन्होंने 26/11 के आतंकी हमले में उसके खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं किए ना उसको अरेस्ट किया. चाइना हाफिज को आतंकी मानने को तैयार नहीं है. देखिए चाइना का एक रवैया रहा है कि मौलाना असगर अजहर और हाफिज सईद जो भारत जिन गुनहगार को दहशतगर्दी मानता है पाकिस्तान उसे नहीं कहता और चीन उसके लिए सपोर्ट करता है क्योंकि चीन के जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में है. सर आप शाही भक्त है, काफी सारे केसेस जो है वो आप उनको चुनौती देते कोर्ट में, आप शाही भक्त के बड़े भक्त हैं, इसके लिए आपको ये झेड प्लस सुरक्षा यहाँ पर मुहैया की गई है, तो आपको लगता है सर मंदिर में भी आपको कुछ असुविधा होती है या कुछ तकलीफ होती है? बिल्कुल नहीं. मंदिर में जो हमारे महाराष्ट्र में जो धार्मिक देवस्थान है उसमें शिरडी का नाम बहुत एक आगे है क्योंकि शिरडी में जो हाइजीन डिसिप्लिन मेंटेन किए थे और इसीलिए आज इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम के पूरी निगरानी रखी जाती है. मुझे लगता है कि शिरडी जो एक या प्रसंगी संस्थांचे उपकार्यकारी अधिकारी डॉक्टर संदीप आहेर, पोलीस निरीक्षक प्रताप इंगळे, वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पाटील, सुरक्षा अधिकारी मधुकर गंगावणे आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते. वृत्तसंकलन विभाग C24 तास शिर्डी.